Good morning, students. Today we will start exercise 8.1 of chapter 8, comparing quantities. So हमारे chapter का name क्या है? Comparing quantities. और हम previous classes में पढ़ चुके हैं कि जब हम quantities को compare करें तो हम क्या find करते हैं? उनका ratio find करते हैं. तो हमारा first question है, find the ratios of the following. A part है हमें given है speed of a cycle 15 km per hour to the speed of scooter 30 km per hour. हमें रेशियो फाइंड करना है स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर का. सो कैसे फाइंड करेंगे? स्पीड ऑफ साइकिल हमें कितनी गिवन है? 15 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड किसका रेशियो फाइंड करना है? स्पीड ऑफ स्कूटर का. सो स्पीड ऑफ स्कूटर कितनी गिवन है? 30 किलोमीटर पर आवर. नाउ सॉल्व करेंगे. सो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, पर से पर कैंसिल, एंड आवर से आवर कैंसिल. 15 को डिवाइड करा 30 से, तो 15 के टाइम में 30 आता है कितने टाइम्स? टू टाइम्स. और 15 वंस आर 15, तो क्या आया? 1 डिवाइडेड 2. तो क्या रेशियो आ गया हमारे पास स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर का? 1:2. ये है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. नाउ रेशियो फाइंड करना है हमें 5 मीटर टू 10 किलोमीटर का. तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. एक की यूनिट मीटर है और दूसरे की किलोमीटर. तो या तो हम दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें या हम दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दें. तो हम क्या करेंगे? 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो सिंस 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के. सो हमें रेशियो फाइंड करना है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. सो 5 मीटर 10 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करा, तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के. तो 10,000 किलोमीटर किसके इक्वल हुआ? 10 × 1000 मीटर. नाउ सॉल्व करेंगे. सो 5 से 10 गया कितने टाइम्स? 2 टाइम्स. और 5 × 1 = 5. मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा? 1 / 2 को इंटू करा 1000 से, तो कितना आया? 2000. सो हमारे पास क्या रेशियो आ गया? 1:2000. नाउ इसका जो सी पार्ट है जिसमें आपको रेशियो फाइंड करना है 50 पैसे टू ₹5 का, वो आप खुद से ट्राई करेंगे. सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे दोनों को एक यूनिट में, या तो आप दोनों को रुपीस में कन्वर्ट करें या फिर पैसे में कन्वर्ट करें. और 1 रुपीस किसके इक्वल होता है? 100 पैसे के. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज. हमें रेशियोज गिवन है, उनको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? फर्स्ट रेशियो क्या गिवन है हमें? 3:4. सो 3/4 लिख सकती हूँ मैं इसको. इसको हमें क्या करना है? इंटू करना है 100 से, परसेंटेज का साइन लगा देना है. सॉल्व करेंगे. 4 से 100 कितने टाइम्स गया? 25 टाइम्स. नाउ इंटू करा 25 से, तो कितना आता है? 75%. सो हमारा रेशियो जो था 3:4, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? परसेंटेज में. सो जब भी हमको रेशियो को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, क्या करेंगे? इंटू से कर देंगे 100 से, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे. सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन सेकेंड का बी पार्ट है, क्या रेशियो गिवन है हमें? 2:3. तो इसको सॉल्व करेंगे. सो 2/3 लिख सकती हूँ, इंटू 100 लगा दिया और परसेंटेज का साइन लगा दिया. नाउ सॉल्व करेंगे इसको. तो 2 × 100 कितना होता है? 200/3%. नाउ 200 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 66.66%. तो हमारे पास कितना आ गया? 66.66%. Now let's come to the question number 3. 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? ये question हमारे लिए important है. क्या given है इसमें? 25 students हैं, जिसमें से 72% जो 25 students का है वो mathematics में good है, मतलब उनकी mathematics अच्छी है. तो हमें बताना है कि कितनों की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, कितने मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है. तो देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25 स्टूडेंट्स हैं, और उन 25 स्टूडेंट्स में से 72% स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स अच्छी है, वो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं. तो हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं. सो कैसे फाइंड करेंगे? देखो 72% अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, तो 100% में से माइनस कर दिया 72. 100% बच्चे माने, उसमें से 72% जो बच्चे हैं वो हमारे किस क्या है? गुड है मैथमेटिक्स में. तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना आया? 28%. दैट मीन्स जो 28% बच्चे बचे हुए हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है, उनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है.
तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि 72% कितने बच्चे हैं. सो देखो 25 टोटल स्टूडेंट है उनका 72%, तो 72 डिवाइडेड 100 इंटू 25, ये जो वो बच्चे हैं जिनकी मैथमेटिक्स क्या है, अच्छी है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करा तो 25 से 100 गया 4 टाइम्स, और 72 को डिवाइड करोगे 4 से तो क्या आएगा 18. सो दैट मींस जो ये 72% ऑफ 25 स्टूडेंट है, मतलब 18 टोटल स्टूडेंट्स है 25, और जब हमने 25 का 72% निकाला तो कितना है 18. सो दैट मींस 18 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में क्या है, अच्छे हैं. अब हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं. टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 25 थे, अगर 18 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो कितने बचे 7. सो दैट मींस जो 7 स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं. सो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड मैथमेटिक्स. फोर्थ है, अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड. इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40 देन हाउ मेनी मैचेस दे प्ले इन. क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्या है कि फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने भी उन्होंने मैचेस खेले टोटल नंबर उसमें से उन्होंने 10 मैचेस जो थे वो जीते. अगर उनकी विनिंग परसेंटेज हमें गिवन है 40, तो हमें फाइंड करना है कि उन्होंने ओवरऑल कितने मैचेस खेले. सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ टोटल मैचेस, और उनकी विनिंग परसेंटेज हमें गिवन है. सो हमने लेट करा कि लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, कि उन्होंने टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने प्लेड करे वो हमें फाइंड करना है, तो हमने उसको मान लिया एक्स. नाउ गिवन क्या था कि 10 मैचेस जीते हैं और विनिंग परसेंटेज गिवन है 40, और हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ मैचेस को दे प्लेड एक्स. नाउ 40% हमें गिवन है विनिंग परसेंटेज, 40% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10. टोटल मैचेस जो उन्होंने खेले उसका 40%, उनकी जो विनिंग परसेंटेज कितनी है 40, जिस जो कि इक्वल है उनके जो इतने उन्होंने मैचेस जीते हैं. तो सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, 40 into x 40x, एंड 10 को इंटू करा किससे 100 से, 100 उधर चला जाएगा तो 10 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 into 100 तो कितना आ जाएगा 10 into 100 डिवाइडेड 40. सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल ना, और सॉल्व करा तो कितना आएगा हमारे पास 4 से 100 कितने टाइम्स आ सकता है 25, तो कितना आ गया 25. तो एक्स की वैल्यू कितनी रही हमारी 25. सो दैट मींस उन्होंने ओवरऑल कितने मैचेस खेले हैं 25, और जिसमें से उन्होंने 10 मैचेस जीते हैं. सो द टीम प्लेड 25 मैचेस. क्वेश्चन फिफ्थ है, इफ चमेली हैज रुपीज 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिज शी सेव इन द बिगनिंग. क्वेश्चन क्या गिवन है कि चमेली के पास 600 रुपये बचते हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, उसके मनी का 75% उसने स्पेंड कर दिया, अब उसके पास कितने रुपीज बचे हैं 600. तो हमें बताना है कि हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, की स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपीज थे जिसका उसने 70% जो है स्पेंड करा, तो अब उसके पास 600 रुपीज बचे हैं. सो हमने लेट करा कि लेट द अमाउंट ऑफ मनी चमेली हैड इन द बिगनिंग, की चमेली के पास कितना था बिगनिंग में एक्स. नाउ कितना स्पेंड करा उसने 75%, तो गिवन दैट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ एक्स शी वॉज लेफ्ट विथ 600 रुपीज, कितना बचा है उसके पास 600 रुपीज. तो 100 में से माइनस कर देंगे 75, कितना आया 25%. नाउ 25% निकाल लेंगे 600 का, तो हमको पता लग जाएगा कि उसके पास बिगनिंग में कितने रुपीज थे. सो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 600 रुपीज. नाउ सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 600 into 100, इस 100 को वहाँ भेज दिया 600 के, डिवाइडेड 25, हमें टैक्स की वैल्यू चाहिए. नाउ सॉल्व करेंगे तो 25 से 100 कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स गया, और 600 को हम 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400. सो दैट मींस चमेली हैड रुपीज 2400 इन द बिगनिंग, कितने रुपीज थे उसके पास 2400
रुपए थे, उसने स्पेंड करा 75% उसका, तो अब उसके पास कितने बचे हैं, 600 रुपीज लेफ्ट। नाउ लेट्स टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ 60% पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल्स आर 50 लाख, एंड फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। सिक्स्थ में क्या गिवन है कि अगर 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, तो जो रिमेनिंग बचे हुए हैं 60 और 30 के अलावा, वो किसको पसंद करते हैं, अदर गेम्स को पसंद करते हैं। तो हमें फाइंड करना है व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल आर 50 लाख, कितना परसेंट है पीपल का 50 लाख में से, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 50 लाख, उन 50 लाख में से 60% पीपल क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, 30% जो लोग हैं वो फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं 60+30 के अलावा, वो किसको पसंद कर रहे हैं, अदर गेम्स को। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास 50 लाख, तो हमें फाइंड करना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। हमें नंबर बताना है कि कितने लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, कितने लोग फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, और कितने लोग अदर गेम्स को पसंद कर रहे हैं 50 लाख में से। सो गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि देखो क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग कितने हैं 60%, एंड फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं 30%। सो इन दोनों को गेम को पसंद कितने लोग कर रहे हैं, टोटल 60+30 90%। तो मतलब क्रिकेट और फुटबॉल को 90% लोग पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को कर रहे हैं 60 और फुटबॉल को कर रहे हैं 30, और दोनों को मिला के 90% लोग इन दोनों गेम में से किसी ना किसी को पसंद कर रहे हैं। तो जो इनके अलावा बचा हुआ है वो किसको पसंद कर रहे हैं, अदर गेम्स को पसंद कर रहे हैं। तो 100 में से 90 माइनस करेंगे, तो 100 में से हमने 90 माइनस कर दिया, तो 100 में से 90 माइनस करा तो कितना आया 10%। सो दैट मींस जो बचे हुए लोग हैं कितने 10%, वो अदर्स गेम्स को पसंद करते हैं। नाउ हमें टोटल नंबर ऑफ देखा है 50 लाख, तो 50 लाख का हम सबसे पहले क्या करेंगे, 60% निकालेंगे, देन 30% निकालेंगे, एंड देन 10% निकालेंगे। जब हम 50 लाख का 60% निकालेंगे, तो हमको क्रिकेट का पसंद करने वाले लोगों को पता लगेगा कितने लोग क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल का जो 50 लाख है उसमें से 30% निकालेंगे तो कितने लोग फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा। और जब हम 50 लाख का 10% निकालेंगे तो कितने लोग अदर गेम्स को पसंद कर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट नंबर उनका पता लग जाएगा। सो क्रिकेट को कितने पसंद कर रहे थे, 60% कर रहे थे। नाउ 60% हमने निकाला 50 का, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने 50, तो जब हमने 50 का निकाला तो 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, 6 5 30, तो कितना आ गया 30। सो दैट मीन्स 30 लाख जो पीपल हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। नाउ फुटबॉल को कितने लोग पसंद करते हैं 30%, तो 30% निकाला हमने अगेन 50 का। हम 50 का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें 50 गिवन है, 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, तो 15 लाख जो पीपल हैं वो फुटबॉल को पसंद करते हैं, और जो अदर गेम को पसंद करते हैं वो कितने हैं 10%। हमने निकाला था 100 में से 90 माइनस करके 10% आया था, नाउ 10% ऑफ अगेन किसका 50 का, तो 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, 5 5, सो दैट मीन्स अदर गेम्स को कितने लोग पसंद करते हैं 5 लाख पीपल्स। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 खत्म होता है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 8.2 डिस्कस करेंगे।